एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डांस क्लास। दिस इज शिप्रा शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेजर ए सॉन्ग का ट्यूटोरियल। तो बाकी बातें हम वीडियो के बाद में करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। तो हमारा जो सॉन्ग स्टार्ट होता है विद द लाइन इफ यू वांट मी यू गॉट अ नो मी, इफ यू लव मी यू गॉट अ शो मी। ऑन दैट हम चार स्टेप्स आगे जाएंगे, ओके, क्रॉस लेग करते हुए। सो राइट जो हमारा लेग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, एंड देन लेफ्ट लेग इन द राइट डायरेक्शन, एंड वन मोर टाइम राइट इन द लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द राइट। सो ये रहेगा हमारा फुटवर्क। नाउ ध्यान रखें कि आपको पैरों में अच्छा खासा गैप मेंटेन करना है, अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर रखना है और हमें बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है, म्यूजिक को फॉलो करना है, म्यूजिक से आगे या म्यूजिक से पीछे नहीं रहना है, ओके। सो म्यूजिक को फॉलो करते हुए, बीट्स को फील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3 and 4, ओके। और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि जब आपका जो राइट लेग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जब ही रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से ऊपर हवा में होगा, एंड आपको हल्की सी फिस्ट बनानी है, लाइक नॉट अ टाइट फिस्ट, बस अपनी फिंगर्स को फोल्ड करना है। सो 1, एंड देन जब भी आप अपने लेफ्ट लेग को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उस टाइम पे आपका जो राइट हैंड है वो आपको अपने नेक के पास लेकर जाना है और धीरे धीरे उसको पीछे मूव करना है। 2, एंड देन वन मोर टाइम। 3 and 4, ओके। इसी के साथ अगर आपने अपने बाल खुले हुए रखे हैं तो आप अपने हेयर्स के साथ कुछ कर सकते हैं, लाइक अपने हेयर्स को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आपका पहला जो स्टेप रहेगा दैट विल बी 1, 2, 3 and 4। ना इसके बाद बैकग्राउंड में पीछे आवाज़ आती है लेजा एंड देन म्यूजिक, एंड देन ये तीन बार सेम चीज़ कंटिन्यू रहती है। ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा, आपका जो राइट लेग है वो आपको टो के ऊपर रखना है, हील ऊपर रहेगी, एंड देन वी विल स्विच इट, एंड देन लेफ्ट लेग ऑन द टो, ओके। ये हमें 6 times करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा दैट विल बी, जब भी आवाज आती है लेजा, ऑन दैट आपके दोनों हाथ राइट डायरेक्शन में रहेंगे ऊपर की तरफ, एंड देन आपको 2 times इनको मूव करना है। 1, 2, सो लेजा, एंड देन जो म्यूजिक है उस पर आप अपने दोनों हाथों को फ्रॉम द राइट शोल्डर आप फिस्ट बनाएंगे, राइट शोल्डर के पास दोनों हाथों को रखेंगे और एक इनको दूर ले जाते हुए, एंड देन लेफ्ट शोल्डर के पास लेकर आएंगे, एंड वन मोर टाइम हम वापस अपनी जगह पर जाएंगे। 1 and 2, तो ये स्टेप रहेगा 1, 2, 3 and 4। ध्यान रखिए जिस डायरेक्शन में आपके हाथ रहेंगे सेम डायरेक्शन में आपका पैर जो है वो टो पे रहेगा। सो जब आपके हाथ राइट डायरेक्शन में है आपका राइट लेग जो है वो टो पे रहेगा, देन आपके हाथ मूव करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे, आपका लेफ्ट लेग टो के ऊपर आएगा, एंड देन वी विल स्विच इट, एंड वन मोर टाइम लेजा, एंड देन 1 and 2। ऑन द थर्ड लेजा आपका जो दोनों हाथ हैं वो आप अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे, एंड देन आप अपने राइट लेग को 2 बार जमीन पे डैप करेंगे। 1, 2 लेजा, एंड देन जो म्यूजिक है उस पर आप अपने शोल्डर्स को मूव करेंगे। 1, 2 एंड वन मोर टाइम लेफ्ट लेग ऑन द टो। ना जब आप शोल्डर्स को मूव करेंगे तो आपको शोल्डर्स को आगे पीछे करके एक वेव करना है बेसिकली। सो आपका स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, एंड ऑन द फोर्थ टाइम पूरा जो लाइन है दैट इज लेजा लेजा रे वो बिना म्यूजिक के है। सो ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा, आपका राइट लेग टो के ऊपर रहेगा और हील जो है वो बाहर की साइड रहेगी, यानी कि राइट डायरेक्शन में, एंड देन आप इसको मूव करेंगे अंदर की तरफ, एंड देन वन मोर टाइम बाहर, ओके। और लेफ्ट लेग जो है वो आपका स्टेबल रहेगा, सो इट विल बी 1, 2 and 3। और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, लेफ्ट हैंड आपका ऊपर हवा में रहेगा एकदम स्ट्रेट, एंड जो आपका राइट हैंड है आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे और वेव करते हुए नीचे तक लेकर आएंगे, और जब भी आपका राइट हैंड नीचे पहुंचेगा आपका पैर जो है वो ट्विस्ट होगा, एंड देन बैक टू योर पोजिशन, ओके। तो आपका स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4,
ओके तो हमारा जो कंप्लीट स्टेप है लेजा लेजा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा। ये जो हमारी लाइन है इस पे आपका जो फुटवर्क रहेगा, सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मुझसे दूर कहीं ना जा, ऑन दैट आपका फुटवर्क रहेगा, आप पैरों में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे एंड देन राइट लेग को टो के ऊपर रख के लेफ्ट लेग के पास लेकर आएंगे, देन वापस इसको आप अपनी जगह पे रखेंगे एंड देन लेफ्ट लेग को टो पे करके राइट लेग के पास लेकर आएंगे। सो आपका जो फुटवर्क रहेगा 1 2 3 4 इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो सामने की तरफ रहेगा और जो आपका राइट हैंड है वो पीछे की तरफ, और आप इन दोनों हाथों को क्लोज करेंगे। सेम चीज हम दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, तो आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी 1 2 3 4 एंड देन बस यहीं कहीं रह जा, ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा दैट विल बी 1 2 3 एंड 4। सिंपली आपको अपने पैरों को वन बाय वन उठा करके रखना है, सो 1 2 3 एंड 4। और इसके साथ आपका हैंडवर्क जो रहेगा बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको अपने दोनों हाथों को वन बाय वन सामने की तरफ शो करना है, 1 2 3 एंड 4। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप अपने राइट लेग को उठाकर रखेंगे आपका लेफ्ट हैंड सामने आएगा, और जब आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर रखेंगे आपका राइट हैंड सामने आएगा। तो ये हमारी लाइन थी मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा। एक बार और हम देखते हैं हमारा जो कंप्लीट स्टेप रहेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज मैं तेरी दीवानी रे अब सोच तुझे है क्या। ऑन दैट आपका जो फुटवर्क है, एक्चुअली देयर इज नो फुटवर्क, आप चाहें तो अपने लेग्स को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, वन बाय वन उनको टो के ऊपर रख सकते हैं। एंड देन जो हैंडवर्क रहेगा, हम राइट हैंड को पहले अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से सामने की तरफ पॉइंट आउट करेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड हमारा नीचे आ जाएगा और जो राइट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर से हमें अपने हेड के पास लाके इस तरीके से दो बार मूव करना है सर्कुलर मोशन में। सो 1 2 3 4 इसी के साथ आपको अपने हेड को भी नॉड करना है, तो आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4 एंड देन अफसोस तुझे है क्या। ऑन दैट आप अपने दोनों पैरों में कोई भी गैप नहीं मेंटेन करना है, दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, राइट हैंड सामने आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा एंड देन आपको नीचे बेंड करना है और वापस से खड़े होना है, और इसी के साथ आपको अपने दोनों हाथों से इस तरीके से सर्कल बनाना है। सो 1 2 3 4 जब आप अपने हाथों को मूव करेंगे ना सर्कुलर मोशन, आपको अपने नीज को भी उसी डायरेक्शन में मूव करना है, सो इट विल बी 1 2 3 4। आप देख सकते हैं जब मैं अपने नीज को मूव कर रही हूँ मेरी कमर भी मूव हो रही है। सो इस स्टेप को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी कमर को भी मूव करना है। ओके 1 2 3 4 ये हमारी लाइन थी अफसोस तुझे है क्या, एंड देन अगेन लाइन रिपीट होती है। सो इस बार जो हमारा स्टेप रहेगा दैट विल बी, हम चार स्टेप्स आगे जाएंगे और हमें क्रॉस लेग नहीं करना है, अपने पैरों को एक दूसरे के सामने रखना है। सो राइट लेग लेफ्ट लेग के सामने एंड देन लेफ्ट लेग राइट लेग के सामने, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा आप अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, और एक बार आप अपने राइट हैंड को आगे लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड को पीछे, यानी कि शोल्डर्स को, एंड देन लेफ्ट शोल्डर आगे राइट शोल्डर पीछे, आपको अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, सिर्फ अपने शोल्डर्स को मूव करना है, और ये करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन द काउंट ऑफ 8 आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलते हुए नीचे लेकर आएंगे, तो आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4 ऑन द काउंट ऑफ 4 हम अपने हाथों को नीचे ले लेंगे एंड देन अगेन मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या। हम सेम स्टेप रखेंगे बट दिस टाइम हम लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट शोल्डर
राइट इंडेक्स फिंगर सामने एंड देन विद द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आप अपने हेड के पास लेकर जाएंगे एंड मूव करेंगे. और इस बार आपको दो ठुमके भी लगाने हैं. सो वन टू एंड देन अगेन लेफ्ट हैंड सामने राइट हैंड पीछे एंड वन टू थ्री फोर. तो जो आपका कंप्लीट स्टेप रहेगा मुझसे दूर कहीं ना जा से लेकर अफसोस तुझे है क्या, जो दोनों बार लाइन रिपीट्स हो रही हैं उन दोनों लाइन के ऊपर आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन एंड टू थ्री एंड फोर. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज तेरी मेरी कहानी नई बन गई. ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा राइट लेग को आप राइट डायरेक्शन में रखेंगे, लेफ्ट लेग को टो के ऊपर रख के आप ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे. सेम चीज हम लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे उस टाइम पे आपके दोनों हाथ ओपन रहेंगे, राइट जो हैंड है आपका वो ऊपर रहेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा. ओके सो वन आपको अपने हाथों को दोनों को पहले पास लेकर आना है, इस तरीके से उनको घुमाना है एंड देन उनको ओपन करना है. और इसके बाद जब आपका लेफ्ट लेग आप ड्रैग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको अपने दोनों हाथों को कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से मूव करना है वन टू. और इसी के साथ हल्का सा आपको बेंड करना है अपनी बैक से एंड नीज से वन टू. सेम चीज हम लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे वन टू थ्री फोर. तो आपका स्टेप जो रहेगा ऑन द लाइन तेरी मेरी कहानी नई बन गई दैट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. आप ध्यान रखें जो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स आपको बहुत स्लो करने हैं, कुछ स्टेप्स आपको बहुत फास्ट करने हैं, बट हमेशा आपको म्यूजिक को फॉलो करना है. कोई भी बीट्स हमसे मिस नहीं होने चाहिए. ओके तो बीट्स को फॉलो करते हुए हम स्टेप करेंगे एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज तू मेरा हो गया मैं तेरी बन गई. ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा आप क्रॉस लेग करते हुए दो बार आगे जाएंगे वन एंड टू. ये लाइन थी तू मेरा हो गया. सो तू मेरा हो गया एंड देन मैं तेरी बन गई पे आप राइट लेग को सामने रखेंगे इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट लेग एंड देन डैप करते हुए पीछे लेके जाएंगे वन टू थ्री एंड फोर. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा जब आप राइट लेग को आगे रखेंगे लेफ्ट हैंड से आप सामने पॉइंट आउट करेंगे तू मेरा हो गया. देन आप राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे एंड देन मैं तेरी बन गई पे जब आप अपने राइट लेग को सामने रखेंगे आपका राइट हैंड ऊपर हवा में जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका नीचे रहेगा एंड देन इस तरीके से आपको इसको फोर टाइम्स मूव करना है. सो वन टू थ्री फोर. और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी शोल्डर्स को भी मूव करना है. सो वन टू एंड देन वन टू थ्री फोर. आपको ध्यान रखना है कोई भी बीट्स मिस नहीं होने चाहिए, हमें अपने शोल्डर्स को लगातार म्यूजिक को फॉलो करते हुए शेक करना है. तो आपका जो स्टेप रहेगा फ्रॉम द लाइन तेरी मेरी कहानी नई बन गई से लेकर तू मेरा हो गया मैं तेरी बन गई तक दैट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा. ऑन दैट आपका जो फुटवर्क रहेगा सिंपली आप फोर स्टेप आगे जाएंगे क्रॉस लेग करते हुए वन टू थ्री फोर. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा एक बार आप अपने राइट हैंड को जब आप अपने राइट लेग को मूव करेंगे उस टाइम पे आपका जो राइट हैंड है वो आपको राइट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना है वन टू एंड देन ऑन द काउंट ऑफ थर्ड संग मुझे ले जा उस पर आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से पकड़ेंगे एंड देन ऑन द काउंट ऑफ फोर आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे. तो आपका स्टेप रहेगा वन टू थ्री फोर. ये हमारी लाइन थी जहाँ जाए तो संग मुझे एंड देन ले जा पे आप अपने राइट लेग को टो के ऊपर रखेंगे एंड आपको पूरा वेव करना है वन टू थ्री फोर.
4, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा 1 2 3 4, ले जा, एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज ले जा ले जा. सो टोटली 5 टाइम्स ले जा वर्ड आता है. तो पहला जो हमारा लेजा वर्ड रहेगा उस पर हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो आपका राइट लेग राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट लेग उसके पीछे. ऑन द सेकेंड लेजा आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट इन द लेफ्ट एंड राइट लेग लेफ्ट लेग के पीछे. ये था हमारा फुटवर्क. इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपको अपने दोनों हाथ ओपन रखने हैं और शोल्डर्स को इस तरीके से आगे पीछे शेक करना है. सो 1 2 3 4. ऑन द थर्ड लेजा आप पीछे टर्न करेंगे एंड देन आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कमर के ऊपर रखेंगे एंड देन आपको लेफ्ट राइट मूव करना है. 1 2 3 4. आपको बीच बीच में ब्रेक देते हुए, झटके देते हुए अपनी कमर को मूव करना है. सो ये रहेगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ लेजा. एंड देन इसके बाद हमारा जो मेन हुक स्टेप है, हुक जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है लेजा लेजा रे. सो हम इस पोजीशन पे थे, तो इसके बाद आपका जो फुटवर्क रहेगा, आप अपने राइट लेग को दूर रखेंगे ऑन द टो एंड देन पास में लेकर आएंगे, वापस से दूर रखेंगे, लेफ्ट लेग के पास लेकर आएंगे, वन मोर टाइम एंड वन मोर टाइम. और जब आप अपने राइट लेग को मूव करेंगे उसी टाइम पे आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्लोली स्लोली टर्न हो जाएगा. 1 2 3 4. और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपका राइट हैंड आपको ऊपर रखना है इस तरीके से एंड देन आपका जो राइट हैंड है वो राइट लेग को फॉलो करेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये हमारी लाइन थी लेजा लेजा रे. नाउ ऑन द लाइन मह की रात में. सो हमने फिनिश किया इधर, हमारा राइट हैंड ऊपर है तो आप अपना, और जो राइट लेग है वो हमारा बाहर की साइड में है. सो नाउ हम अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के पीछे लेकर जाएंगे और जो आपका राइट हैंड है उसको आपको इस तरीके से उल्टा एंड सीधा करते हुए नीचे लेकर आना है. सो मह की रात में एंड देन चुरा के सारे रंग ले जा. ऑन दैट आप अपने राइट लेग को सामने लेकर आएंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन करना है और जो आपके दोनों हाथ रहेंगे वो पीछे से इस तरीके से घूमते हुए आपको सामने लेकर आना है. एंड देन आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे, आप चाहें तो उनको कमर पे भी रख सकते हैं. एंड देन 1 2 3 4. सो ये हमारी लाइन थी मह की रात में चुरा के सारे रंग ले जा. एंड देन अगेन एक बार और लाइन रिपीट हो रही है, सारे रंग ले जा. ऑन दैट आपका फुटवर्क रहेगा, आप ध्यान से देखें, आपको राइट लेग को टो पे रखना है, उसके ऊपर बैलेंस बनाना है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है एंड देन नीचे छोड़ना है. और जब आप अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे उस टाइम पे आपका जो राइट लेग है वो ऊपर उठाना है. सो 1, राइट लेग को थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाना है एंड लेफ्ट लेग को बहुत थोड़ा सा ऊपर उठाना है. तो आपका फुटवर्क रहेगा 1. इसी के साथ आपको हल्का सा वेव करना है एंड दोनों जो आपके हाथ रहेंगे वो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे एंड देन सडनली आपको नीचे उनको छोड़ देना है. सो 1, ये लाइन थी सारे रंग ले जा. तो आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा ले जा रे से लेके सारे रंग ले जा तक, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. बाद में लेजा रे वर्ड के बाद में थोड़ा सा म्यूजिक एक्सटेंड हो रहा है, सो उस पर आप हल्का सा सिर्फ अपनी बॉडी को इस तरीके से वेव कर सकते हैं 2 times. एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज राती राती में. सो ये हमारी नेक्स्ट लाइन है, उस पर आपका जो फुटवर्क रहेगा, हमें एक राउंड लेना है. सो राइट लेग से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 and 4. इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपको सिंपली दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेकर जाना है एंड देन होल्ड करना है. सो 1 2 3 4. ये हमारी लाइन थी राती राती में एंड देन भीगू साथ में. ऑन दैट आप अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे, एक के ऊपर एक, यानी कि लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रखेंगे एंड देन आपका जो फुटवर्क रहेगा
वन एंड टू, इसी के साथ आप अपने दोनों हाथों को मूव करेंगे वन एंड टू, सो वन टू, ये हमारी लाइन थी भीगू साथ में, एंड देन तू ऐसे मुलाकात दे जा, ऑन दैट आपका फुटवर्क रहेगा, राइट लेग को सिंपली आपको इस तरीके से डैप करना है वन टू थ्री फोर, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा आप अपने राइट हैंड को नीचे से स्टार्ट करेंगे और घुमाते हुए इसको ऊपर लेकर जाएंगे वन टू थ्री, थ्री टाइम्स हमें ये स्टेप करना है, एंड देन उसके बाद आपका जो फुटवर्क रहेगा मुलाकात दे जा वर्ड के ऊपर, आपको राइट लेग को टोपे ही रखना है, सिंपली इसकी जो हील है इसको आपको ट्विस्ट करना है इन आउट, और इसी के साथ आपका जो हैंड रहेगा राइट हैंड वो उल्टा एंड सीधा आपको इस तरीके से मूव करना है, सो वन टू थ्री फोर, और इस हाथ को आपको नीचे लेकर आना है, तो आपका जो स्टेप रहेगा दैट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एंड देन अगेन बैकग्राउंड में आवाज़ आती है ऐसी मुलाकात दे जा, लाइन रिपीट हो रही है, नाउ दिस टाइम आपका जो स्टेप रहेगा आपका फुटवर्क सेम ही रहेगा वन टू थ्री फोर, और इसके साथ आपका जो हैंडवर्क रहेगा हमने पहले फिनिश किया था वन टू थ्री, एंड देन आप क्विकली अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे इन द राइट डायरेक्शन, एंड देन स्लोली स्लोली नीचे लेकर आइए वन टू थ्री फोर, ना आपका जो कंप्लीट हुक स्टेप रहेगा दैट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 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 वन टू थ्री फोर। सो ये था लेजारे ट्यूटोरियल, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, और इस सॉन्ग का जो परफॉर्मेंस है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल्सो मेरा और एक चैनल भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऑल्सो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड कीप स्माइलिंग।